हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक फॉर सीएससी। फ्रेंड्स, आज का यह जो हमारा वीडियो है वह बीपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी के द्वारा हाल ही में मेंस पेपर में शामिल किए गए ऐसे पेपर के बारे में हम लोग कुछ स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के अंतर्गत निबंध पेपर में बेहतर अंक कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। और इसी टॉपिक के बारे में, इसके इर्द गिर्द जितनी भी बातें होंगी, बेहतर अंक को कैसे प्राप्त करें, बेहतर निबंध लिखने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या क्या सोर्स होनी चाहिए जिसके आधार पर आप निबंध पेपर की तैयारी करें, किस प्रकार से आप अपनी तैयारी में बदलाव लाएं ताकि मेंस परीक्षा, मुख्य परीक्षा के अंतर्गत निबंध पेपर में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी पहलुओं पर मैं आज इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों के साथ मैं चर्चा करूंगा। इससे पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, एकेडमिक्स फॉर सीएससी के द्वारा टेलीग्राम ग्रुप पर निःशुल्क मेंस आंसर राइटिंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें बीपीएससी मेंस जीएस आंसर राइटिंग ग्रुप के अंतर्गत आप अगर टेलीग्राम पर सर्च करेंगे बीपीएससी मेंस जीएस आंसर राइटिंग, तो ये जो हमारा ग्रुप होगा इसके अंतर्गत जीएस का मेंस आंसर राइटिंग कराया जाता है। और बीपीएससी ऐसे पेपर 3 जो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, इसे सर्च करके अगर ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर ऐसे पेपर की आंसर राइटिंग फ्री में कराई जाती है। तो आप हमारे इन तीनों टेलीग्राम चैनल से, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पर जुड़कर अपने शुल्क मेंस आंसर राइटिंग कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। वहाँ पर प्रश्न दिए जाते हैं, आप आंसर लिखकर वहाँ पर जमा करें और आप सबकी कॉपी निःशुल्क रिव्यू कर दी जाएगी। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप के बारे में आपको जानकारी है। वहीं पर निबंध पेपर के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले आखिर हमें समझना है कि निबंध होता क्या है, निबंध किसे हम लोग कहते हैं, निबंध क्या होता है, किसे कहा जाता है निबंध। और देखिए, दो तरह की चीज़ें होती है, एक होता है लेख और दूसरा होता है निबंध, है ठीक है। न्यूज़पेपर का अगर आप एडिटोरियल पर डे पढ़ते होंगे तो वहाँ पर जो लिखा होता है वह लेख होता है न्यूज़पेपर के अंतर्गत, ठीक है। निबंध यहाँ पर जो लेख का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर हमने इसे वर्गीकृत कर दिया है निबंध और लेख के बारे में। लेख होगा वह कलेक्शन ऑफ डाटा होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को आपको लिखना होगा। लेकिन वहीं जब आप निबंध लिखते हैं तो निबंध एक बेसिकली थॉट प्रोसेस होती है, आपका किसी विषय के बारे में आपकी क्या राय है, उस विषय पर आप क्या सोच रखते हैं, उसके बारे में क्रमबद्ध लेखन कला निबंध कहलाता है। यानी कि क्रमवार रूप से अपने विचारों को किसी भी विषयों पर प्रकट करना निबंध कहलाता है। मान लेते हैं कि कोई टॉपिक आपको मिल जाता है, महिला सशक्तिकरण का टॉपिक आपको मिलता है निबंध लिखने के लिए, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित अगर सिर्फ भारत सरकार, बिहार सरकार ये सब का डेटा देते हैं तो वह लेख हो जाएगा। लेकिन जब आप निबंध लिख रहे होंगे तो महिला सशक्तिकरण के जितने भी पहलू हैं, महिला सशक्तिकरण से इसका आर्थिक विकास किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से महिलाओं के सशक्तिकरण से हमारा समाज पर असर पड़ रहा है, यानी कि सामाजिक सशक्तिकरण किस प्रकार से हो रहा है, राजनीति में उनकी हिस्सेदारी किस प्रकार से बढ़ रही है, यानी कि राजनीतिक सशक्तिकरण किस प्रकार से हो रहा है, इन सभी पहलुओं को अगर आप अपने विचार के माध्यम से प्रकट करते हैं तो वह लेख कहलाता है। यानी कि सिंपल शब्दों में समझें तो जब आप निबंध लिख रहे होंगे तो अधिक से अधिक आपकी अपनी विचार किसी भी विषय पर होंगे और उसमें जो भी महत्वपूर्ण डेटा होंगे उसे भी शामिल करना होगा। यानी कि आपका अपना विचार किसी भी विषय पर प्लस में सरकार के महत्वपूर्ण रिपोर्ट, महत्वपूर्ण डेटा, इन दोनों को शामिल करके जो आप तैयार करेंगे वह ऐसे और निबंध कहलाएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि क्रमवार रूप से आगे आपको कैसे ऐसे लिखना है, मैं एक एग्जांपल के जरिए भी इसमें आपको बताऊंगा अंत में। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है बीपीएससी के अंतर्गत, चूंकि पहली बार बीपीएससी ने ऐसे पेपर को शामिल किया है तो पहली बार जो मुख्य परीक्षा दे रहे होंगे, या फिर चाहे वह 68वीं मेंस परीक्षा के अभ्यर्थी हों, 69वीं के लिए हो, या किसी भी मेंस परीक्षा की बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न उनके सामने है कि कितने शब्दों में हमें ऐसे को लिखना होता है। देखिए, बीपीएससी के अंतर्गत 3 ऐसे आपको लिखना है। एक ऐसे के लिए आपको जो समय मिल रहे हैं वह 1 आवर का समय मिलेगा और 1 आवर के अंतर्गत आपको 1 ऐसे लिखने होंगे और पर ऐसे जो होगा 100 मार्क्स का होगा। यानी कि 1 ऐसे 1 घंटा
100 मार्क्स, यानी कि 100 मार्क्स का निबंध आपको सिर्फ एक घंटे में लिख देना है। अब प्रश्न है कि आखिर 100 मार्क्स का जब निबंध है तो आप कितने पेज में निबंध को लिखेंगे। तो अमूमन आम तौर पर अगर देखा जाए एक घंटा के दौरान आपकी लेखन कला शैली जो होगी वह, चूंकि 3 ऐसे यहां पर लिखना है तो 1000 वर्ड में एक ऐसे आपको लिखना होगा, यानी कि 1000 वर्ड में अगर आप एक ऐसे को लिखते हैं तो 3 ऐसे लिखने में आपको 3000 वर्ड लग जाएंगे। यूपीएससी के अंतर्गत भी देखेंगे तो 125 नंबर के ऐसे आते हैं, तो वहाँ पर भी यूपीएससी में भी अभ्यर्थी जो है अमूमन 3000 वर्ड को लिखते हैं दो ऐसे को मिलाकर। वहाँ पे 125 नंबर का दो ऐसे रहता है, यहाँ पर 100 मार्क्स का 3 ऐसे है। तो आप अमूमन प्रयास करें कि एक ऐसे जो होगा, एक ऐसे में आपके अराउंड 1000 वर्ड होने चाहिए, ठीक है, अराउंड 1000 वर्ड होने चाहिए। कैसे होंगे ये मैं आगे बताऊंगा कि भूमिका में कितने वर्ड होने चाहिए, निष्कर्ष में कितने वर्ड होना चाहिए, मेन बॉडी पार्ट में कितने वर्ड और कितने पैराग्राफ होने चाहिए, ऐसा मैं बताऊंगा। तो यानी कि आपको 3 ऐसे से मिलाकर आपको 3000 वर्ड में आपको ऐसे लिखना है, एक ऐसे पर आपको 1000 शब्द पर आपको फोकस करना होगा, एक ऐसे, एक घंटा, 100 मार्क्स, 1000 शब्द, ये आपका स्पष्ट रणनीति आपकी होनी चाहिए। अध्ययन का स्रोत क्या है, आखिर आप ऐसे के लिए क्या करें, कहां से आप पढ़ाई करें ऐसे के लिए, क्या किसी विषय के बारे में ऐसे को लिखकर रटने से आप एग्जाम को पास कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप नकल करने के बजाय अपने खुद के थॉट प्रोसेस को डेवलप करें, किसी भी विषय पर चिंतन करना प्रारंभ करें। अभी समय है मेंस ऐसे की तैयारी के लिए, जो 69वीं के अभ्यर्थी हैं वो अभी से ही निबंध लिखने की प्रैक्टिस करें। हमारे जो ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में ऐसे राइटिंग चल रही है उसमें आप पार्टिसिपेट करें, आपकी कॉपी को बेहतर तरीके से रिव्यू की जाएगी। रिव्यू देने के पश्चात जो आपको वहां पर बताया जाता है उस पर आप काम करिए, पुनः उसको आप ऐसे लिखिए, तब आपकी जो आंसर राइटिंग ऐसे के बारे में है उसमें स्किल जो होगी वह वृद्धि होते चली जाएगी। निबंध के लिए सबसे अध्ययन का बेहतर स्रोत यही है कि आप स्वाध्याय करें, खुद से आप अध्ययन करें, अधिक से अधिक आप मैगजीन को पढ़ें, अधिक से अधिक न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेजेस को पढ़ें। इससे क्या होगी, आपकी अपनी खुद की थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस डेवलप होगी। सबसे बेहतर अध्ययन का स्रोत है अखबार पत्रों का संपादकीय पृष्ठ, यानी कि एडिटोरियल पेजेस जो आते हैं आप उसको पढ़िए, प्रभात खबर का पढ़िए, दैनिक जागरण पढ़िए, हिंदुस्तान पढ़िए, जनसत्ता पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, मिनिमम 2 न्यूज़पेपर का आपको एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है पर डे, तभी जाकर आप ऐसे में बेहतर मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 2 एडिटोरियल में एक एडिटोरियल जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वह जनसत्ता का होगा, ठीक है। जनसत्ता अगर आप घर पे नहीं मंगा पाते हैं, आपके पास सुविधा नहीं है, तो यह ऑनलाइन अवेलेबल है, वहां से आप जाकर निःशुल्क जनसत्ता का एडिटोरियल पढ़िए। हालांकि जो भी इंपॉर्टेंट जनसत्ता का एडिटोरियल होता है वो मैं ग्रुप में भी भेज देता हूँ, आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट नहीं होता उसे मैं नहीं भेज पाता हूं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल जनसत्ता न्यूज़पेपर का होता है उसे मैं एकेडमिक सोर्स एसी का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में मैं आप सभी को प्रोवाइड करा देता हूं। तो एक हमारा सजेशन रहेगा कि आप जनसत्ता का एडिटोरियल पेज पढ़िए, और दूसरा जो एडिटोरियल है वो आपकी इच्छा पर मैं छोड़ता हूँ। आप हिंदुस्तान पढ़ सकते हैं, दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं, नवभारत टाइम्स पढ़ सकते हैं, प्रभात खबर पढ़ सकते हैं, कुछ भी जो आपकी इच्छा हो, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ भी, इंडियन एक्सप्रेस, वो आप पढ़ सकते हैं, ये आपकी इच्छा, ठीक है। तो 2 न्यूज़पेपर का एडिटोरियल आपको पर डे पढ़नी होगी। इसके अलावा मासिक पत्रिका का आपको अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि जब आप मासिक पत्रिका का अध्ययन करेंगे तो इससे आपकी थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में मदद मिलेगी। आप मासिक पत्रिका पढ़िए, अगर आप दर्पण को पढ़ सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण बीपीएससी के लिए रामबाण है, मैं हमेशा से कहता आया हूं, प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ सकते हैं, क्रॉनिकल को पढ़ सकते हैं, क्रॉनिकल मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतर पत्रिका है क्रॉनिकल, आप क्रॉनिकल को पढ़ सकते हैं। योजना कुरुक्षेत्र आपकी इच्छा पर है, आप चाहें तो योजना कुरुक्षेत्र को पढ़िए। यहाँ पे योजना कुरुक्षेत्र देखिए ये लेख के हिसाब से लिखा होता है, निबंध के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ से आपको गवर्नमेंट की डेटा रिपोर्ट वगैरह मिलेगी, तो आप इसे भी फॉलो कुरुक्षेत्र अब यहाँ से भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण मासिक पत्रिका, महत्वपूर्ण वेबसाइट ओबली रिपोर्ट। अब प्रश्न है कि आप कौन कौन से वेबसाइट को फॉलो करेंगे। देखिए गवर्नमेंट की जितनी भी महत्वपूर्ण बात देखेंगे कि कोई भी मिनिस्ट्री हो उनके वार्षिकी रिपोर्ट प्रकाशित होती है। मान लेते हैं कि ऊर्जा मंत्रालय है, तो ऊर्जा मंत्रालय की वार्षिकी रिपोर्ट जो है वह प्रत्येक वित्त वर्ष के पश्चात
जारी की जाती है। तो आप उस रिपोर्ट को पढ़िए, रिपोर्ट को पढ़ने के पश्चात सरकार क्या काम कर रही है, ऊर्जा के क्षेत्र में क्या काम करने वाली है, ऊर्जा के क्षेत्र में कौन कौन सी अचीवमेंट प्राप्त कर चुकी है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगी। और ये मिलेगी कहाँ से, आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाइए, मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जो वार्षिक समीक्षा दी होती है उसे आप डाउनलोड करिए, आप उसे पढ़िए। इसके अलावा कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो UPSC की तैयारी करा रहे हैं उनका भी वेबसाइट, उनकी भी वेबसाइट को फॉलो करिए, वहां से कंटेंट को आप पढ़ सकते हैं, अपनी थॉट प्रोसेस को डेवलप कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन कई सारे वेबसाइट हैं, दृष्टि IAS का वेबसाइट आप फॉलो कर सकते हैं, धे IAS का वेबसाइट आप फॉलो कर सकते हैं, इनसाइट IAS का वेबसाइट आप फॉलो कर सकते हैं, GS हिंदी वेबसाइट आप फॉलो कर सकते हैं, PIB वगैरह भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। कई सारे वेबसाइट हैं जो जहां पे आपको कंटेंट मिलेगी, अध्ययन का स्रोत आपका हो सकता है, सरकारी रिपोर्ट, महत्वपूर्ण डेटा के बारे में आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो ऐसे किस प्रकार से आप प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो UPSC और UPPCS का प्रीवियस फाइव ईयर का आपको क्वेश्चन पेपर को देखें, उसे लिखना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पेपर को देखिए और क्वेश्चन पेपर को देखने के पश्चात तो जो सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है उस सॉल्यूशन को आप परचेज करके सॉल्यूशन को देखने की प्रयास करिए कि किस प्रकार के प्रश्न को उसने किस प्रकार से लिखा है। ठीक है, तो इसे 3-4 बार आप देखिए, विषय वस्तु को समझिए, समझने के बाद लिखना किस प्रकार से उसे समझिए, इसके पश्चात आपकी निबंध लिखने की जो प्रोसेस होगी वह काफी बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, तो 5 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर UPSC UPPCS का निबंध का निकालकर आप प्रिंट आउट कराइए, उसका सॉल्यूशन मार्केट से खरीदे और देखिए कि किस प्रकार से क्या लिखा हुआ है, यह आपको समझना होगा, तो यह काफी एक बेहतर स्रोत हो सकता है। तो अभी तक हमने बताया कितने शब्दों में लिखना है, निबंध में अध्ययन का स्रोत क्या क्या होना चाहिए और निबंध क्या है इसके बारे में हमने जानकारी ली। अब है निबंध को कैसे लिखेंगे। देखिए, किसी भी आप आंसर को लिखेंगे तो आंसर लिखने का 3 पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी पार्ट और कंक्लूजन। यहाँ पर भी निबंध में आप 3 पार्ट में ऐसे को लिखेंगे, इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप देंगे, उसके बाद मेन बॉडी पार्ट देंगे, उसके बाद कंक्लूजन कंक्लूड करेंगे। इंट्रोडक्शन अभी हमने ऊपर क्या बताया कि एक निबंध जो होगा वह अराउंड लगभग आपके 1000 वर्ड्स में होने चाहिए एक ऐसे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आप अराउंड 100 शब्द में इंट्रोडक्शन को लिखिए, मेन बॉडी लगभग 700 से 800 शब्द में लिखिए और लगभग 100 शब्द में आप कंक्लूजन को लिखिए। तो 100 शब्द 800 शब्द और 100 ये 200 यानी कि टोटल 1000 शब्द आपके हो गए। ध्यान रखें, इंट्रोडक्शन लगभग 100 शब्दों में संक्षिप्त होनी चाहिए, मेन बॉडी लगभग 700 से 800 शब्दों में, इसका पैराग्राफ में बांटे तो 7 से 8 पैराग्राफ में, कंक्लूजन लगभग 75 से 100 शब्दों में होनी चाहिए। एक बात और आप लोग ध्यान रखें कि इंट्रोडक्शन से हमेशा संक्षेप रूप में होना चाहिए कंक्लूजन, यानी कि इंट्रोडक्शन से हमेशा छोटा होगा जो होगा वह आपका निष्कर्ष होगा। ठीक है, यानी कि जितना इंट्रोडक्शन लिखते हैं उससे 10-20 शब्द कम आप कंक्लूजन निष्कर्ष को लिखें। यह आंसर बेहतर लिखने का एक तरीका है। इन सभी चीजों को, बारीकियों को आपको ध्यान देना होगा, चाहे आप ऐसे लिख रहे हो या फिर GS आंसर राइटिंग का वर्क कर रहे हो। तो इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन को हमने डिस्कस किया। अब देखते हैं कि क्रमवार रूप से आप क्रमबद्ध रूप से कैसे निबंध को लिखेंगे। ठीक है, BPSC के अंतर्गत आगे हम लोग सिलेबस को 2 मिनट के अंतर्गत देख लेते हैं। जो BPSC का जो हालिया ऐसे का जो सिलेबस है, ऐसे का सिलेबस के अंतर्गत क्या है, आपको 3 ऐसे लिखना है, 3 सेक्शन में आपको फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन में A और B 2 विकल्प होंगे, सेकंड में A और B 2 विकल्प होंगे और यहाँ पर भी A और B 2 विकल्प होंगे। सी मान लेते हैं 3 विकल्प अगर हों तो ऐसे 2-2 विकल्प को मानिए। ठीक है, आप इसे कन्फर्म हो लीजिएगा कि कितने विकल्प रहेंगे, उस पर आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करने होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये 2 विकल्प को हम लोग मानकर चल रहे हैं। तो अब दोनों विकल्प में से देखिए कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिस पर आप बेहतर तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, आप उस टॉपिक को चूज करिए। ठीक है, मान लेते हैं उदाहरण के लिए एक टॉपिक है वह है आतंकवाद, दूसरा टॉपिक है अलगाववाद, या इसको करिए, चलिए अलगाववाद, ये 2 टॉपिक हैं। तो
आप स्वाभाविक है कि आतंकवाद पर काफ़ी बेहतर तरीके से लिख सकेंगे अलगाववाद की तुलना में, या अगर आपका टॉपिक अलगाववाद बेहतर है तो आप इसको चूज करेंगे। तो जो भी विकल्प है आपके पास, उन विकल्प में से आपको सबसे पहले चूज करना होगा कि किसका कंटेंट आपके माइंड में ज़्यादा है, किस टॉपिक पर आप ज़्यादा लिख सकते हैं, उसी टॉपिक का आप लोग यहाँ पर चयन करेंगे। यानी कि टॉपिक का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स इज द प्राइमरी, कह सकते हैं प्राइमरी जो होना चाहिए निबंध लिखने की, वह है अच्छे टॉपिक का चयन, कौन सा सेक्शन को आप चयन करेंगे आंसर राइटिंग के लिए, एसे के लिए। तो टॉपिक का चयन सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटी है और काफ़ी बारीकी के साथ इसका आपको सिलेक्शन करना होगा। इसके बाद आप लिखने, टॉपिक को आप तो सिलेक्ट कर चुके हैं, टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद आप एक फ्रेमवर्क को बनाइए, ठीक है। अभी हमने बताया, जैसे अभी हम लोग अंदर डिस्कस करेंगे एक आतंकवाद के बारे में, उसका फ्रेमवर्क मान लेते हैं कि आपको फ्रेमवर्क बनाना है। हमने फिर से यहाँ पर एग्जांपल के रूप में लेते हैं आपको फ्रेमवर्क बनाने के लिए, सतत विकास, चलिए 21वीं सदी का भारत हमने टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों को लिखने के लिए दिया है, 21वीं सदी का भारत, ये मान लेते हैं कि आपका टॉपिक है निबंध लिखने के लिए। तो आप टॉपिक का चयन करने के बाद 21वीं सदी का भारत जब आप निबंध लिखने जा रहे हैं तो इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट को शामिल करना है उसका एक आप फ्रेमवर्क बनाइए। एक घंटा आपको 60 मिनट का समय मिलेगा एक ऐसे लिखने के लिए, लिखने पर आप 45 मिनट का समय दीजिए, 5 मिनट का समय आप सोचने पर दीजिए और 10 मिनट का समय आप फ्रेमवर्क बनाने पर दीजिए, टोटल 60 मिनट का समय हो गया। इस बात को आप लोग ध्यान रखें, ये जो 10 मिनट का आपका समय होगा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण समय होगा, क्योंकि बिना अगर आप फ्रेमवर्क बनाए आप ऐसे राइटिंग प्रारंभ करते हैं तो आपका जो खिचड़ी पक जाएगी पूरी तरीके से। कौन सा पॉइंट, जो पॉइंट आपको आर्थिक में लिखना होगा वो आप सामाजिक में लिख चुके होंगे, सामाजिक वाला धार्मिक में, धार्मिक वाला सांस्कृतिक में, तो इसके कारण पूरा ऐसे का जो क्रमबद्धता है वह बिगड़ जाएगी। तो आप 10 मिनट में ऐसे की एक फ्रेमवर्क बनाइए, उस फ्रेमवर्क के अंतर्गत आप संक्षिप्त में भूमिका में क्या क्या लिखेंगे इसे डिसाइड करिए, कारण में क्या क्या लिखेंगे उसको डिसाइड करिए, परिणाम में क्या क्या लिखेंगे उसको सोचिए, परिणाम में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो जो है तात्कालिक वो सब लिखिए, इसके बाद प्रभाव में लिखिए, प्रभाव में भी उसी प्रकार से आप पॉइंट बना सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप फ्रेमवर्क बनाते हैं प्रारंभ के 10 मिनट के अंतर्गत, तो ये फ्रेमवर्क ही आपका एक तरीके से कंक्लूजन हो जाएगा, पूरा ऐसे का निचोड़ हो जाएगा, और इसी को सिर्फ वहां पर अंदर जब आप ऐसे लिखेंगे तो उसको एक्सप्लेन कर देना होगा। तो यह हो जाएगा आंसर लिखने से पूर्व फ्रेमवर्क बनाने की प्रक्रिया, यह निबंध लिखने की सबसे महत्वपूर्ण चरण है, इसके बिना बेहतर निबंध लिखने की कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इस पर बकायदा ध्यान रखें। इसके बाद लिखने की शुरुआत कैसे करेंगे, लिखने की शुरुआत हमने बताया कि भूमिका से आपको लिखने की शुरुआत करनी है। भूमिका के अंतर्गत महत्वपूर्ण विद्वानों की कोटेशन को आप दे सकते हैं, कोई आप स्टोरी आपसे जुड़ी हुई है तो उसको साझा कर सकते हैं जो टॉपिक से जुड़ी हुई हो। ऐसा नहीं हो कि टॉपिक से जुड़ा हुआ नहीं है और ज़बरदस्ती आप उसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, नहीं, आप कोटेशन से स्टार्ट करें, महत्वपूर्ण डिफिनीशन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई जुड़ी हुई टॉपिक से जुड़ी कोई स्टोरी है तो उससे कर सकते हैं, सरकार के महत्वपूर्ण रिपोर्ट है तो उससे कर सकते हैं, और करेंट ओरिएंटेड अगर कोई टॉपिक है और उस पर समसामयिक मुद्दों पर कोई चर्चा चल रही है तो वहाँ से भी आप भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। देखिए भूमिका में ज़्यादा कोई काम करना नहीं है, अगर आप जीएस मेंस आंसर राइटिंग बेहतर तरीके से करते हैं तो यहाँ पर ऐसे के दौरान भी आपको आंसर राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जीएस में आप 4 पेज में आंसर लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे में 7 से 8 पेज में आंसर, सिर्फ उसी को एक्सप्लेन करना होगा, 7 से 8 पेज में आंसर लिखना है। ऐसे के अंतर्गत आपको इंट्रोडक्शन जो लिखनी है अराउंड 100 वर्ड में इंट्रोडक्शन लिखनी है, जीएस में आप 30-40 शब्द में लिखते थे तो उसी को विस्तृत रूप कर देना है, वह आपका ऐसे हो जाएगा। तो भूमिका इस प्रकार से आपको लिखना है। भूमिका के बाद हमने बताया कि ऐसे का सबसे जो महत्वपूर्ण चरण होगा भूमिका के बाद वह आपका मेन बॉडी पार्ट होगा। मेन बॉडी के अंतर्गत आपको 700 से 800 शब्द लिखने होंगे, ठीक है, 7 से 8 पैराग्राफ के अंतर्गत। इसमें मेन बॉडी के अंतर्गत क्या क्या लिखना है, ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने लिया उदाहरण के रूप में आतंकवाद, आतंकवाद का परिभाषित करिए, विभिन्न विद्वानों की अगर कोई परिभाषा है तो उसे लिख लीजिए, इंसाइक्लोपीडिया की परिभाषा है तो उसे दीजिए, कारण आतंकवाद के क्या क्या हैं कारण लिखिए, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, ठीक है, इन सभी कारण को आप लिखिए वहाँ पर।
प्रकृति आतंकवाद की प्रकृति किस प्रकार सी है, किस प्रकार की है, आतंकवाद जो है किस प्रकार से मानव समुदाय को प्रभावित कर रहा है, इन सभी चीज़ों को किस प्रकार से हिंसा को भड़काने का कार्य करती है, किस प्रकार से युवाओं को बरगलाने का कार्य करती है, उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, इसको आप पॉइंट के रूप में लिखिए। इसके बाद इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव को आप पेस्टल अप्रोच के रूप में इसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया। आप ध्यान से सुनिएगा पेस्टल अप्रोच क्या है। पी देखिए पी फोर मैं यहां पर लिख दे रहा हूं PESTEL पेस्टल अप्रोच, पी फोर पॉलिटिकल, ई फोर इकोनॉमिकल, एस फोर सोसाइटल मतलब सामाजिक, टी फोर टेक्नोलॉजिकल, ई फोर इन्वायरमेंटल, एल फोर लीगल। यानी कि कोई भी मुद्दा हो, ठीक है, चाहे वह आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, क्योंकि आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव इसका तो आतंकवाद का भी पड़ रहा है, नक्सलवाद का भी पड़ रहा है, डेवलपमेंट का भी आर्थिक सामाजिक प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे टॉपिक आप सेलेक्ट करें जिस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को लिख सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप डिवाइड करके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, इस तरह से अगर आप पर्यावरणीय इस तरह से डिफाइन करके अगर आप क्रमबद्ध रूप में लिखते हैं तो निस्संदेह एग्जामिनर पर आपका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इसको लिखिए। इसके बाद सरकार के प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की क्या प्रतिक्रिया है और आतंकवाद को दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। तो ये सभी जो आएगा वह किसी भी टॉपिक के अंतर्गत, तो वह मेन बॉडी पार्ट के अंतर्गत आएगा। जब आप मेन बॉडी पार्ट को लिख चुके होंगे तो इसके पश्चात आपको कंक्लूजन करना है। कंक्लूजन के अंतर्गत आप ध्यान रखें कि यह इंट्रोडक्शन से हमेशा छोटा होगा और इसके अंतर्गत उस टॉपिक के बारे में भविष्योन्मुखी अवधारणा को आप इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है, और एक पॉजिटिव वे में आप उसको कंक्लूड करेंगे। तो यह हो जाएगा निष्कर्ष। निष्कर्ष के बाद ये तो आपका पूरा ऐसे लिखने का तरीका हो गया। एक बात जिसे आपको ध्यान रखना होगा हमेशा कि ऐसे जो है हमेशा इतनी रोचक होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए कि एग्जामिनर जब भी पढ़ें तो उनको बोरिंग फील ना हो, एग्जामिनर को एक क्यूरियोसिटी रहे, जब इंट्रोडक्शन पढ़ें तो उनमें एक उत्सुकता जागे कि हाँ यह विद्यार्थी जो है परीक्षार्थी है वो अंदर इस तरीके की बातें लिखा होगा इसने जो हमारी उत्सुकता को बढ़ा रहा है और जिसे पढ़नी चाहिए। तो हमेशा एक आकर्षक रूप में आपको ऐसे लिखना होगा और आकर्षक रूप में ऐसे लिखने का एक ही उपाय है, डेली 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 प्रैक्टिस। इसके अलावा आपके पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल पेजेस पढ़िए, डेली मैगजीन को पढ़ने पर समय व्यतीत करिए और डेली अपनी थिंकिंग प्रोसेस, अपनी थिंकिंग थॉट, जो थॉट प्रोसेस है उसको डेवलप करिए। दो चार मिनट, दस मिनट का समय आप किसी टॉपिक पर चिंतन मनन करने के लिए निकालिए, फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करिए, तब जाकर किसी भी टॉपिक पर आपकी जो है वह पकड़ मजबूत होगी, ठीक है। तो निबंध को रोचक बनाने के लिए आप शायरी, कोई स्टोरी, श्लोक, लोकोक्ति, संस्मरण, कथन आदि का प्रयोग अधिक से अधिक करिए, ठीक है। उदाहरण के लिए, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो, ऐसे कई सारे आप कोटेशन को आप याद रखिए। शायरी को आप, महत्वपूर्ण शायरी को आप याद रख सकते हैं, महिला सशक्तिकरण की शायरी, गरीबी से संबंधित शायरी, महात्मा गांधी का गरीबी पर क्या कथन है, पंचायती राज पर महात्मा गांधी का क्या कथन है, संसदीय व्यवस्था पर महात्मा गांधी का क्या कथन है, तिलक का अस्पृश्यता पर क्या कथन है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कोटेशन हो तो उसको याद करिए। तो इन सभी चीज़ों को, महत्वपूर्ण शायरी को आप लोग याद रखिए, कोटेशन को याद रखिए, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग जरूरत पड़ने पर आप ऐसे राइटिंग के दौरान करें। इसके बाद एक और चीज जो ऐसे में आपको ध्यान देना होगा, अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो दोनों पैराग्राफ के बीच एक निरंतरता देखने को मिलनी चाहिए, क्रमबद्धता देखने को मिलनी चाहिए और प्रवाह जो है वह नियमित बना रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि दो पैराग्राफ दो एंगल की चर्चा कर रहे हो, नहीं, पैराग्राफ पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि हाँ एक पूरी स्टोरी वे में पूरा एक ऐसे पेपर को लिखा हुआ है और हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड, हर एक पैराग्राफ
एक दूसरे से तारतम्यता के साथ जुड़ा हुआ है और उनमें निरंतरता और क्रमबद्धता बनी हुई है। तो इस प्रकार से आपको पैराग्राफ के बीच कनेक्शन जो होगा, दो पैराग्राफ को जोड़ने का तरीका होगा, इसे भी आपको डेवलप करना होगा। और इसका भी यही तरीका है, अधिक से अधिक आप ऐसे को पढ़ें और पढ़ने के बाद उस पर थिंकिंग करें और उसको लिखने की प्रैक्टिस करें। इसके बाद सरकार के महत्वपूर्ण रिपोर्ट, जिसे अभी हमने सोर्स में बताया, वेबसाइट वगैरह, उसको आप ऐड करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और करेंट रिलेटेड कोई इशू चल रहा हो तो उसे भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो एक ऐसे होगा वह लिखने का तरीका होगा और बेहतर ऐसे आप लिख पाएंगे। ठीक है, हमने ऐसे के बारे में सारा सोर्स वगैरह सारा डिस्कस कर दिया है। उम्मीद है कि ऐसे से संबंधित कोई भी टॉपिक छूटा नहीं होगा। हमने ऐसे के बारे में निबंध क्या है इसके बारे में डिस्कस किया, निबंध और लेख में अंतर को डिस्कस किया, निबंध लिखने की स्रोत क्या होनी चाहिए, कितने शब्दों में निबंध लिखा जाना चाहिए, निबंध लिखने की तरीका क्या क्या होनी चाहिए, बेहतर मार्क्स हम निबंध में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया। और अंत में एक सलाह आप सभी के लिए एक और फिर से है, एकेडमिक्स फॉर सीएससी के द्वारा टेलीग्राम ग्रुप पर निःशुल्क जीएस मेंस आंसर राइटिंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1, समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के साथ साथ बीपीएससी के द्वारा हाल ही में शामिल किए गए मुख्य परीक्षा के अंतर्गत निबंध पेपर को भी मेंस आंसर राइटिंग में शामिल किया गया है। और टेलीग्राम ग्रुप पर नियमित अंतराल पर आपको जीएस तथा एसए का आंसर राइटिंग बिल्कुल निःशुल्क करवाया जा रहा है। आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जा रहा है, उसे ज्वाइन करिए और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग हमारे निःशुल्क मेंस आंसर राइटिंग कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अपनी लेखन कला का विकास करिए और मुख्य परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।